काशी विश्वविद्यालय स्थित हृदय रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एमएस और कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वार्ता करते हुए कहा कि एमएस बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एसएसबी में हृदय रोगियों को बेड न मिलने का संकट बना हुआ है। 20 दिन पहले ही एमएस निदेशक ने एमएस से बेड पर लगा डिजिटल लॉक खोलने का आदेश जारी किया था, परंतु 20 दिन बीतने के बाद भी एमएस निदेशक द्वारा दिए गए आदेश का एमएस ने उल्लंघन करते हुए अभी भी डिजिटल लॉक नहीं खोला। लॉक नहीं खुलने से हृदय रोगियों को बेड नहीं मिल पा रहा है। बीएचयू अस्पताल के एसएसबी में चौथे तल पर हृदय रोग के गंभीर मरीजों के लिए सीसीयू बनवाया गया है। बता दें कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरीजों की सेवा के लिए किया था। यहां मरीजों को बेड केवल इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि कंप्यूटर से बेड को डिजिटली लॉक कर दिया गया है। इसके कारण बेड खाली होने के बाद भी मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इस समस्या को लेकर इसी माह 8 मार्च से हृदय रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने कुलपति आवास के सामने अनशन पर बैठने की चेतावनी दी थी। इस पर आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एसएन खंखवार ने विभागाध्यक्ष के साथ बैठक कर तत्काल प्रभाव से डिजिटल लॉक खुलवाने की बात कही थी। इस दौरान ओम शंकर ने कहा कि प्रोफेसर के गुप्ता अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी कुलपति एमएस का साथ दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी कारण में सर्वप्रथम एमएस को हटाने की मांग किया था। उन्होंने एमएस द्वारा सामूहिक नरसंहार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर सामूहिक नरसंहार का मुकदमा भी पंजीकृत कराऊंगा, इसके साथ ही आमरण अनशन भी प्रारंभ करूंगा जब तक यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाता। उन्होंने एमएस द्वारा सरकार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी गलत सूचना देने का आरोप लगाया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कुलपति और एमएस के द्वारा किए गए कृत्य से प्रधानमंत्री के चुनाव पर भी हारने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एमएस द्वारा जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे प्रधानमंत्री के आने वाले चुनाव पर भी गहरा असर पड़ेगा। बस अगला तो हमने इसलिए हमें पता था कि एक अपराधी जो है वो आपराधिक तौर पर ही अपना कार्य कर सकते हैं, इसीलिए मेरी पहली मांग थी कि उस अपराधी व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटाया जाए, जो नहीं किया गया था तब भी। और उसी की वजह से आज जब उन्होंने कहा था निदेशक महोदय कि नहीं वो मान जाएंगे, मुझे मैंने कहा था कि ये नहीं मानेंगे और ये अपराधी व्यक्ति है, तो उनके विरुद्ध चूंकि सामूहिक नरसंहार करवा रहे हैं तो मेरे पास दो विकल्प है। एक तो आपराधिक धाराओं में FIR करवाऊंगा और दूसरा आमरण अनशन भी शुरू करूंगा जब तक कि ये व्यक्ति अरेस्ट ना हो जाए और हृदय विभाग और अन्य विभागों के जो बेड पर ताला लगा कर रखा है, सरकार से दिखाता है कि हमारे पास फिजिकली इतना बेड है और ग्रांट उस आधार पर लेते हैं और वास्तव में उसमें से सैकड़ों बेड को ताला लगा कर रखे हैं, जिस पैसे का दुरुपयोग करते हैं निजी स्वार्थ के तौर पर। तो ये मरीज के साथ खिलवाड़ है, आम जनता के साथ खिलवाड़ है, इस विश्वविद्यालय की गरिमा के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी की गरिमा, और उनको आगे चुनाव भी यहाँ आकर लड़ना है, उस उनको अपमानित करके उनको हरवाने के लिए साजिश रच रहे हैं यहाँ के कुलपति और यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक मिलकर।